की खूबसूरती, ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। जो दोस्तों जो ब्यूटी आपने जो ब्यूटी आपने उत्तराखंड से वहां पर पहाड़ों में देखी थी, वही दोस्तों ब्यूटी मैं आपको जो है अंडमान निकोबार के दीपों के अंदर दिखाने वाला हूँ। ब्यूटी ऑफ नेचर की बात करने वाले हैं, जो कि फोटो आपके सामने यहाँ पर है। अंडमान निकोबार कुर्सी की पेटी बांध दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग चलने वाले, ठीक है। और दोस्तों जहां पर मैं कहूँ वहीं पर खड़े रहना, वरना रसगुल्ला पानी में जाएगी, भैंस पानी में, ठीक है। हाँ दोस्तों देखिएगा अंडमान निकोबार, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करूँ आपसे, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम। मैं तो फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आपने पूरे ध्यान से मेरी हर बात को सुना, तो अंडमान निकोबार का सवाल कभी गलत नहीं होगा, चाहे इतिहास पूछे, चाहे ज्योग्राफी पूछे, चाहे करंट अफेयर्स पूछे आपसे ना। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम, इसकी राजधानी आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी दोस्तों ये आपके शुरुआत से भारत के अंदर यूटी ही रहा है दोस्तों, आपके 56 के अंदर इसको यूटी बना दिया गया था। भारत में 28 राज्य हैं और 108 यूटी हैं, उस 8 यूटी में एक यूटी कौन सा है? अंडमान निकोबार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां दोस्तों लोकसभा की एक सीट है और यहां का हाई कोर्ट, बहुत ही प्यारा सवाल दोस्तों, यहां का हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो यहां पर काम करता है। एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक तो इसकी राजधानी, ठीक है, श्री विजयपुरम, एक इसका हाई कोर्ट, एग्जाम के लिए जबरदस्त महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है और इसका हाई कोर्ट पूछूं आपसे कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों यहां का घनत्व पूछूं आपसे, 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर इसका घनत्व, ठीक है। 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका घनत्व आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज तक दोस्तों अंडमान निकोबार दोस्तों हमारे यहीं का दोस्तों क्या है? हाँ, अगर कभी सवाल पूछे कि भाई सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला सो यूटी कौन सा, आपके यूटी कौन सा है? वो अंडमान निकोबार, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले आपसे अंडमान दोस्तों निकोबार में कितने दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमें अधिकांश को नहीं पता है। अंडमान दोस्तों निकोबार में 3 जिले, रसगुल्ला, कितने आपके? 3 जिले अंडमान निकोबार के अंदर दोस्तों ना। यहां देखिए दोस्तों, एक का नाम है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, ठीक है। सो ये एक ही नाम है, ठीक है, ये एक ही नाम है, नॉर्थ और आपके मिडिल अंडमान, ठीक है। एक है आपके साउथ अंडमान दोस्तों, एक कौन सा आपके? एक है निकोबार, ठीक है। तो 3 हमारे यहां पर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक का नाम नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान है, एक का नाम आपके साउथ अंडमान है, एक का नाम निकोबार, आपको ध्यान रखना है। ये 3 दोस्तों आपके, 3 क्या है? ये 3 आपके जिले अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने सो, ये दोस्तों आपको एक आपके मैमल दिखाई दे रहा, आपके एक स्तनधारी दिखाई दे रहा है सो, आपको मछली लग रही होगी दोस्तों ना, ये तो आपको एक मछली लग रही होगी, पर रसगुल्ला ये मछली नहीं दोस्तों आपके, ये आपके एक स्तनधारी है, ठीक है। एक स्तनधारी है, ये मछली नहीं है बेटा, ये एक स्तनधारी सो, ये एक मैमल से, क्या से? एक मैमल से, और इसका नाम क्या सो? इसका नाम है ड्यूगोंग, क्या नाम है? ड्यूगोंग इसका नाम है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो रसगुल्ला, अगर दोस्तों आप इसको हल्के में ले रहे हो तो मेरी बात को ढंग से सुन सकते, अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो तो आप यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम उठाकर देखना दोस्तों, इसका सवाल वहां पर पूछा गया है डूगोंग के बारे में, ठीक है। डूगोंग क्या है दोस्तों ना? डूगोंग एक मछली है, यूपीएससी में एक बच्चा बोल रहा है डूगोंग एक मछली है, डूगोंग स्तनधारी सबके, डूगोंग दोस्तों आपके स्तनधारी है, क्या मैमल्स है, और इसको बोलते हैं समुद्री गाय, क्या बोलते हैं इसको? समुद्री गाय कहते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है, समुद्री गाय इसको कहते हैं। यह सवाल पूछा गया था, डूगोंग कहां पर मिलता है? यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में सवाल आ चुका है कि डूगोंग कहां पर मिलता है? अंडमान निकोबार में मिलता है। मैं आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ठीक है। डूगोंग पूछूं आपसे, इसे समुद्री गाय बोलते हैं बेटा, ये एक स्तनधारी मैमल्स है, कहां पर मिलता है? अंडमान निकोबार, सो अंडमान निकोबार में आपके ये प्राप्त होता है, ये दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डुगोंग आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है आपके, ये समुद्री गाय दोस्तों ना, ये दोस्तों वहां अंडमान सो निकोबार के अंदर मिलने वाला कबूतर की फोटो आपके सामने सर। यहां दोस्तों कबूतर भी रंग बिरंगे, यहां रसगुल्ला, हमारे यहां दोस्तों कबूतर आपके कैसे हैं देखो, और यहां कबूतर रंग बिरंगे कबूतर, भाई साहब कबूतर भी दोस्तों रंग बिरंगे मिलते हैं वहां पर, कितनी रंगीन जिंदगी होगी रसगुल्ला। देखिए अंडमान निकोबार दोस्तों ना, ये अपना भारत और यहां पर आपको अंडमान निकोबार मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कहते हैं दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि यहां पर सो म्यांमार, ठीक है, यहां सो म्यांमार, सो यहां पर आपके यहां पर एक पर्वत कौन सा है? यहां पर्वत का नाम है अराक्यो नामक, सो अराक्यो नामक पर्वत जो है वो यहां पर है म्यांमार के अंदर, कहां से? म्यांमार के अंदर कौन सा पर्वत है? अराक्यो नामक पर्वत, आपने सुना होगा नाम, ठीक है। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि भाई इस पर्वत सो, यह पर्वत पानी के अंदर भी है, ठीक है, और सो जो इस पर्वत का जो भाग पानी के ऊपर आ गया है वही अंडमान निकोबार बन गया, ठीक है। पर वर्तमान में अराक्यो नामक पर्वत कहां पर है? म्यांमार के अंदर है, और अंडमान निकोबार किसका अभिन्न हिस्सा है? भारत का अभिन्न हिस्सा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर मैंने इसकी फोटो दिखाई है, जहां दोस्तों ऊपर की ओर नॉर्थ अंडमान सो, फिर मिडिल अंडमान है, फिर सो लोअर अंडमान सो, फिर उसकी राजधानी पोर्ट विलियर मिलेगी आपको, उसके बाद उसको लिटिल अंडमान मिलेगा, उसके बाद उसको आपको 10 डिग्री चैनल मिलने वाला है, फिर कार निकोबार सो मिलेगा आपके, और फिर नीचे नीचे आपको ग्रेट निकोबार मिलने वाला है, ठीक है। सो ग्रेट निकोबार नीचे की नीचे आपको मिलेगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपको फिर से मैंने फोटो लगाई है, पर आपको नहीं दिखाई दे रही, कोई बात
क्वेश्चन दोस्तों आपके, तो मैंने कहा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, सो लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये आपको यहाँ पर मिलने वाले, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों पूछूं आपसे अंडमान सो निकोबार को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है, 10 डिग्री अक्षांश है। अभी आगे फोटो दिखाऊंगा इन सभी के दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिखाई दे रहे हैं, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान आपके, सैडल पीक कहाँ पर, सैडल पीक यहाँ पर आपके, सैडल पीक आपको यहाँ पर मिलने वाले, ठीक है। यही दोस्तों आपको बैरन आइलैंड भी आपको यहाँ पर मिलेगा, अभी खास बात बताऊंगा इसके, ठीक है। वहीं दोस्तों आपको इसको साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपको अंडमान निकोबार मिलने वाला है, ठीक है। रानी झांसी सो मराइन पार्क पूछूं आपसे, वो भी यही मिलेगा दोस्तों ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये भी अंडमान निकोबार, फोटो आएंगे सभी, है ना। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, वो भी यहीं पर, एग्जाम में खूब पूछता है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी आपके समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां, महात्मा गांधी नेशनल मैराइन नेशनल पार्क कहां पर है, इसके अलावा माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये चारों की चारों कहां पर है, अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। देखिए सो सैडल पीक हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार दोस्तों इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वह सैडल पीक, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या, सैडल पीक है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके सो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, सो भाई साहब दोस्तों अगर ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हो ना भाई साहब, तो हम दोस्तों यहीं पर रहे सारे दिन, ना। देखिए साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं आपसे, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा आपके, वो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, इसकी फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सैडल पीक अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक दोस्तों यहाँ पर है, इसके अलावा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, इसका फोटो आपको दिखाया गया है। इसके बाद देखना आपके, इसके बाद देखिए महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क जो है इसका एंट्री गेट आपके सामने है, वेलकम टू महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, मैराइन का मतलब होता है समुद्री, क्या होता है समुद्री, ठीक है। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क पूछो कहां पर है, यह भी दोस्तों अंडमान निकोबार में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये अंडमान निकोबार के अंदर, जिसकी फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा हूं, ये एंट्री गेट उसका दिखाई दे रहा है आपको, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर आपकी ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है आपके, यह ज्वालामुखी दोस्तों जिसके ऊपर है उस आइलैंड का नाम क्या है, इस दोस्तों आइलैंड का नाम क्या है, बैरन द्वीप, कैसे बैरन द्वीप इसका नाम है, ये आपको ध्यान है। जिस दोस्तों आइलैंड के ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है आपसे, ये ज्वालामुखी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, बैरन द्वीप, ठीक है। भारत का एकमात्र, सुन लो, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर सो, ये आपके कहाँ पर है, बैरन द्वीप के अंदर है, आपको छापना है अंडमान निकोबार। भारत का दोस्तों एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर सो, एक्टिव का मतलब सक्रिय, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, वो बैरन द्वीप के अंदर कहाँ से, अंडमान निकोबार में, जहां से धुआं निकल रहा है दोस्तों आपके। अगर दोस्तों अगर आप चाहो दोस्तों, ये तो अभी हम इधर से देख रहे हैं, अगर दोस्तों आपका मन हो तो आप एरोप्लेन में बैठ जाइए, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं आपके इस ज्वालामुखी को ना, आप एरोप्लेन में बैठ जाइए दोस्तों आपके, आप बैठ चुके हैं एरोप्लेन के अंदर, दोस्तों ऊपर से देखिए इस ज्वालामुखी को दोस्तों आपके, ये देखो रसगुल्ला सो, ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, और यहां पर आपको जो है धुआं निकलते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों आपके, ये है आपका बैरन ज्वालामुखी, और ये पूरा दोस्तों आइलैंड कौन सा, पूरा आइलैंड आपके बैरन द्वीप, ये ऊपर से देख रहे हैं रसगुल्ला, ऊपर से देख रहे हैं आपके बैरन द्वीप को दोस्तों, ये पूरा बैरन द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, और यहां पर आपको इस आपकी ज्वालामुखी से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वाइट वाइट दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, ये जेल रसगुल्ला ना, आपने दोस्तों फिल्मों में देखी होगी ये जेल आपको, इस जेल को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं काला पानी की सजा वाली जेल, क्या आपके, इसे बोलते हैं काला पानी सो, काला पानी की सजा वाली जेल बोलते हैं ना, काला पानी की सजा दोस्तों यहीं पर मिलती थी आपके सो, और इस जेल का नाम क्या है, इसका नाम सो सेलुलर जेल इसका नाम है, ठीक है, क्या नाम सर, इसका नाम क्या, इसका नाम है सेलुलर जेल, इसका नाम है कहां पर दोस्तों, ये आपके ये अंडमान निकोबार में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो काला पानी की सजा कहां पर मिलती है, अंडमान निकोबार के अंदर सेलुलर जेल के अंदर मिलती है। बाकी दोस्तों यहां पर पहली बार किसको मिलती है सो, यहां पर आपके जो वीर सावरकर थे इनको रखा गया था यहां पर इस जेल के अंदर, आपको ध्यान रखना, ठीक है। गुरुजी इसको काला पानी की जेल क्यों बोलते हैं, सुनिए दोस्तों आपके, अरे सुन लो सुंदरवाड़ो, सुन लो दोस्तों ना, ये दोस्तों जेल दोस्तों कुछ ऐसे रसगुल्ला, ठीक है, ये तो जेल कुछ ऐसे आपके सो, ये तो कमरे बने हुए सो, ये जेल को दोस्तों ऐसे बनी हुई, ठीक है, ये जेल कुछ ऐसे बनी हुई यहां पर सो, ये जेल रसगुल्ला कुछ ऐसे बनी हुई है, मतलब कि दोस्तों इसमें जितने कमरे आपके ऐसे बने हुए हैं, ये कमरे बने हुए हैं यहां पर आपके सामने, यहां दोस्तों इन सब कमरों का निकास जो है केवल यहीं पर बेटा ना, इस वाले कमरे का निकास भी कहां पर, यहीं पर दोस्तों ना, इस वाले कमरे का निकास भी यहीं पर है, इस वाले कमरे का निकास यहीं पर है, इस वाले का निकास यहीं पर है, मतलब दोस्तों यहां पर जो आपके सेल होने वाली है वहां पर दोस्तों सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है, और यहां पर कोई आपके
एग्जिट गेट नहीं रसगुल्ला, यहीं पर आना पड़ेगा आपको एग्जिट करने के लिए। सो एंट्री एग्जिट गेट दोनों यहीं पर दोस्तों, यहां पर देखिए, देखो सो यहां देखो रसगुल्ला, जितने भी दोस्तों आप जितने भी सेल बने हुए, जितने भी सेल बने हुए सबका दोस्तों एग्जिट गेट यहीं पर, इसलिए इसको बोलते हैं काला पानी की सेल। यहां पर जो आपके जहां यहां पर जो सेल होगा उसमें ना दोस्तों आपके सूर्य का प्रकाश पहुंचने वाला है, कुछ भी नहीं पहुंचने वाला, इसलिए इसको बोलते हैं काला पानी की जेल बोलते हैं, ठीक है। और सो वीर सावरकर साहब को इसी जेल में रखा गया दोस्तों आपके, ये देखिए वो फोटो दोस्तों आपके सामने, नासिक षड्यंत्र केस था आपके, 1909 का केस है। और सो इस केस के अंदर, इस केस के अंदर वीडी सावरकर साहब शामिल थे सो, और इस केस में वीडी सावरकर थे, गणेश दामोदर सावरकर थे और दाजी बमन नारायण जोशी थे। इनमें जो वीडी सावरकर साहब है इनको इसी जेल में रखा गया, आपको नोट करना है, ठीक है। यह जेल आपके सामने यहाँ पर सो, और नासिक कॉन्स्पिरेंसी थी, नासिक षड्यंत्र केस था, वीडी सावरकर जी को जेल होती है, यहीं पर रखा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पोर्ट ब्लेयर की ओर बढ़ते हैं। इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है आपके, इसका नया नाम हो चुका है श्री विजयपुरम। क्या सो, श्री विजयपुरम जो है इसका नया नाम हो चुका है। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी थी, अब नहीं है दोस्तों, अब उसकी नाम क्या है, अब उसका नाम जो है श्री विजयपुरम हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर का एक ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूं, एक एरियल दोस्तों व्यू आपके सामने यहां पर है, पोर्ट ब्लेयर का फोटो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर की फोटो आपके सामने यहाँ पर सो, ऊपर से आपको फोटो दिखाई जा रही है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर की, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक आइलैंड है, उसका नाम क्या है, रोस आइलैंड, ठीक है। इसका दोस्तों नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों इसका नया नाम क्या हो चुका है, अब इसका नया नाम हो चुका है बोस आइलैंड। क्या हो चुका है, बोस आइलैंड हो चुका है। रोस आइलैंड का नया नाम क्या हो चुका है, बोस आइलैंड दोस्तों हो चुका है। एक खूबसूरत दोस्तों आइलैंड है, कभी मन करे दोस्तों आपको घूमने का तो 3-4 आइलैंड के नाम बताऊंगा आपको, वहां पर घूम के आना, ठीक है। रोस आइलैंड का नया नाम क्या हो चुका है, बोस आइलैंड दोस्तों हो चुका है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी कह सकते हो, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक दोस्तों आइलैंड कौन सा है, मतलब दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड, मतलब क्या रसगुल्ला दोस्तों, क्या आप लक्षद्वीप, क्या दोस्तों क्या आप जो है मालदीव जाओगे, छोड़ो सो मालदीव को, आप तो यहां होकर आओ, हैवलॉक आइलैंड। कौन सा आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड आपके सामने सो, हैवलॉक दोस्तों आइलैंड जो आपके, इसका नया नाम क्या हो चुका है, स्वराज द्वीप, इसका नया नाम हो चुका है, क्या है, स्वराज द्वीप इसका नया नाम हो चुका है, हैवलॉक आइलैंड का, ये भी आपको छाप लेना, ठीक है। ये हैवलॉक, ये रसगुल्ला भारत है, कोई विदेश की फोटो नहीं है, ये भारत का हैवलॉक आइलैंड है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। स्वराज द्वीप कहते हैं इसको, हैवलॉक आइलैंड को, वर्तमान में इसका नाम स्वराज द्वीप है, ठीक है। बाकी दोस्तों जब आप घूमने जाओगे आपके अंडमान निकोबार, तो आपको दोस्तों अंडमान निकोबार में सबसे पहले आपको यहीं पर दोस्तों लैंड करना पड़ेगा। और यह स्थान कौन सा है सो, यह स्थान कौन सा है, यह वीर सावरकर, कौन सा, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है। वीर सावरकर एयरपोर्ट की फोटो आपके सामने, आपको दोस्तों यहीं पर जाना पड़ेगा, पहले आपके एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा, वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम आपके श्री विजयपुरम हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीर सावरकर एयरपोर्ट की फोटो आपके सामने यहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहां की एक ट्राइब की फोटो आपके सामने सो, यह ट्राइब का दोस्तों नाम क्या है, इस ट्राइब का नाम जारवा है, ठीक है। जारवा ट्राइब का नाम आपके सो, जारवा दोस्तों संख्या लगातार कम हो रही है इनकी सो, जारवा की संख्या लगातार कम हो रही है। अंडमान निकोबार में ट्राइब मिलती है जारवा दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण ट्राइब है, इसलिए दोस्तों जब आप इनके, जब दोस्तों आप घूमने जाओगे दोस्तों, तो इनका क्षेत्र बीच में आएगा, तो वहां दोस्तों वहां पर ऐसे कुछ सिंबल्स लगे हुए, ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना आपको, वो साफ साफ लिखा सो, यहां से लिखा हुआ है सो, क्या करना है आपको, ड्राइव द व्हीकल्स केयरफुली एंड ओनली इन ए कॉनवे, मतलब एक लाइन में चलाना है और केयरफुली आपको चलाना है, ठीक है। इसके अलावा आपके, इसके अलावा ड्राइव रिस्क योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अगर आपने गड़बड़ चलाई तो आपकी जो आपकी जो आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी जो है उसके लिए रिस्क हो सकता है, ठीक है। रिमेंबर एंट्री इनटू जारवाज रिजर्व फॉरेस्ट विदाउट वैलिड परमिट इज प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ, क्या नहीं करना है सुनो, डू नॉट अलाउ द जारवाज टू गेट इनटू व्हीकल, अपनी गाड़ी में जारवा को नहीं बुलाना, ठीक है। डू नॉट गिव एनी आइटम्स ईटेबल क्लोथ और आपके जारवा, जारवा कोई भी खाने का कोई भी कपड़ा नहीं देना आपको, ठीक है। डू नॉट दोस्तों, डू नॉट इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी वीडियो नहीं करना आपको, ठीक है। डू नॉट स्टॉप व्हीकल इन द जारवा एरिया, जारवा के एरिया में आपको व्हीकल नहीं रोकना है। डू एंड डोंट, मैंने आपको यही बता दिया रसगुल्ला, ठीक है, मैंने आपको यहीं पर बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना, ये जारवा ट्राइब आपके सामने यहां पर अंडमान निकोबार की महत्वपूर्ण ट्राइब है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वहीं दोस्तों दो ट्राइब दोस्तों और लिखिए आपसे यहां पर जो मिलती है आपको, एक का दोस्तों नाम क्या, एक का नाम सेंटली, ये देखो भाई साहब रसगुल्ला दोस्तों, रसगुल्ला पानी में दोस्तों खड़ा होकर के तीर कमान चला रहा है दोस्तों, ना अपना रसगुल्ला पानी में खड़ा होकर तीर कमान चला रहा है दोस्तों। जैसे दोस्तों इनके ऊपर, जैसे दोस्तों मान लीजिए इनके ऊपर से हम कोई सामान देने के लिए जाएंगे दोस्तों, एरोप्लेन से जाएंगे, तो ये लोग उनके ऊपर तीर कमान छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब प्रकृति के बड़े नजदीक लोग, इनको नहीं पता एरोप्लेन क्या होता है, इनको लगता है किसी शत्रु ने आपके हमला कर दिया हमारे ऊपर, ये तीर कमान छोड़ते हैं उनके ऊपर, ठीक है। इन्हें बोलते हैं सेंटलीज, इन्हें बोलते हैं आपके सेंटलीज और सैम्पेन, क्या बोलते हैं सेंटलीज और सैम्पेन, ठीक है। तो सेंटलीज और सैम्पेन ट्राइब जो है यह भी कहां मिलती है आपको, यह भी अंडमान निकोबार मिलती है, ठीक है। तो सेंटलीज और सैम्पेन दोस्तों आपके, सेंटलीज और सैम्पेन जो ट्राइब मिलती है वो कहां मिलती है आपको, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो जारवा सेंटलीज सैम्पेन ये तीनों ट्राइब कहां पर मिलती है, अंडमान निकोबार में आपकी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है सो, यहां देखिए रसगुल्ला सो, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछूं आपसे कौन सा है, वो है आपका इंदिरा पॉइंट, कौन सा, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, 6°45', ये नॉर्थन लैटिट्यूड आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत का यू आर एट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, जो कि आपके निकोबार का हिस्सा है, जो कि निकोबार का हिस्सा है, ग्रेट निकोबार का हिस्सा है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट दोस्तों, इसी का दोस्तों एक अन्य नाम भी बताओ आपके, बाकी दोस्तों पानी में डूब गया आपके पॉइंट आपके, इसलिए हमने इस पॉइंट को दिखाने के लिए एक टावर खड़ा कर दिया यहां पर, इंदिरा पॉइंट, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम पूछूं आपसे, अरे इंदिरा पॉइंट तो बोलते हैं, इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट को, यक्षांश कौन सा है, अगला पॉइंट ये कहां पर मिलता है, थर्ड पॉइंट आपके इसका दोस्तों नया नाम क्या है, इसका एक नाम हो रहा है पिग्मेलियन पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, पानी में डूब गया था आपके, पर ध्यान रखना है ये दक्षिणतम पॉइंट
आपके सामने, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर सवाल पूछूं आपसे, अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब डक्कन, दोस्तों डक्कन आपके डक्कन पैसेज पूछा, डक्कन पैसेज पूछा आपसे, डक्कन पैसेज जो है सो किस किस को अलग करता है, डक्कन पैसेज पूछा आपसे, यह भी दोस्तों आपके यह पूछूं आपसे, यह साउथ अंडमान, साउथ अंडमान को लिखना, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, आपको नोट करना है, ठीक है। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाला कौन है, डक्कन पैसेज आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। वही दोस्तों आपके कोको आइलैंड पूछूं आपसे, जिस पर दोस्तों वर्तमान आपके देखो कोको दोस्तों आइलैंड म्यांमार के पास, म्यांमार के पास में था, परसों म्यांमार से म्यांमार ने इसको जो है म्यांमार ने इसको म्यांमार ने इस आइलैंड को चीन को दे दिया आपको छापना, ठीक है। मतलब दोस्तों यहां पर कोको दोस्तों आइलैंड है, और फिर दोस्तों ये हमारा कौन आपके अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक आइलैंड कौन सा है, कोको आइलैंड है, म्यांमार का आइलैंड है, पर म्यांमार ने इसको चीन को दे दिया, आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे देखिए आपके 8-9-10 डिग्री चैनल की बात करूं आपसे, तो यहां पर दोस्तों आपके यहां पर देखो ये रसगुल्ला मालदीप, ठीक है। यहां दोस्तों ये आपके मिनी को, ठीक है, और यहां कवरती, ठीक है, ये सब मिनी को, ये कवरती, ठीक है। इसके बीच में कौन सा है, यहां पर 8 डिग्री अक्षांश, ठीक है, यहां पर कौन सा है 9 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये दोस्तों ये अंडमान, ये अंडमान और निकोबार, ठीक है, इनके बीच में कौन सा आपके 10 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा है 10 डिग्री अक्षांश हो गया ना, 10 डिग्री अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री अक्षांश पूछूं आपसे, ये आपके मालदीव और मिनिकॉय के बीच में ना, 9 डिग्री पूछूं आपसे मिनिकॉय कवरती लक्षद्वीप है ना, और 10 डिग्री पूछे आपसे, तो 10 डिग्री आपके सामने यहां पर, ठीक है। जोली बॉय दोस्तों आइलैंड, कौन सा आइलैंड है, जोली बॉय आइलैंड यहां पर आपके सामने, जोली बॉय महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान में एक खूबसूरत द्वीप है, यह द्वीप कोरल और समुद्री जीवन का एक लुभावना पानी के नीचे का दोस्तों तस्य प्रस्तुत करता है, मतलब प्रभावित आपको यहां पर दिखने वाली है। यह द्वीप रोमांचकारी जल क्रीड़ाओं के लिए उपयुक्त है, आप यहां द्वीप पर स्नॉर्कलिंग, समुद्र स्नान और धूप सेकने का दोस्तों आनंद, धूप सेकने का आनंद, रसगुल्ला यह आनंद दोस्तों बहुत गजब का दोस्तों आनंद होता है। एक दोस्तों ऐसे चेयर, एक चेयर दोस्तों ऐसे होती है, इस पर दोस्तों आप ऐसे पड़े होते हो रसगुल्ला, आप ऐसे पड़े होते दोस्तों आपके, और यहां से धूप आ रही होती है, इसको सेकने का दोस्तों आनंद दिया लगे, ठीक है। तो धूप सेकने का आनंद भी आपको यहां पर मिलने वाला है, जोली द्वीप पर अंडमान निकोबार, ठीक है। वही दोस्तों एक द्वीप कौन सा, नील द्वीप, ठीक है, इसका नया नाम आपके शहीद द्वीप हो चुका है, बहुत ही दोस्तों खूबसूरत आइलैंड, ठीक है। वन ऑफ द खूबसूरत आइलैंड कौन सा है, वह आपका नील द्वीप, इसका नया नाम क्या हो चुका है, इसका नया नाम आपके शहीद द्वीप हो चुका है। सो अरे विटामिन डी आपको यहां मिलेगी रसगुल्ला ना, तो विटामिन डी दोस्तों आपको यहां पर मिलेगी, विटामिन डी यहां पर मिलेगी आपको ना धूप सेकने में, ठीक है। नील द्वीप अंडमान का सबसे कठोरा बोलते हैं इसको, ये सुंदर द्वीप हरे भरे जंगलों और मुलायम रेतीले समुद्री तटों से भरपूर है, अगर आप किसी शांत और शांत जगह पर छुट्टियां बिताने की योजना बना रहे, सुन लो रे, अगर दोस्तों आपका मन है कि शांत जगह पर आपको छुट्टियां बितानी है, तो ऐसा कीजिएगा, तो नील द्वीप आपके लिए एकदम सही जगह है, ये इको फ्रेंडली पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। नील द्वीप राजधानी पोर्ट विलियर से नाम से जुड़ा हुआ है दोस्तों, और इसका नया नाम शहीद द्वीप हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आइएगा अब चलते हम ब्रह्मास्त्र की ओर चलते।